उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को पेश किया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने आज विधानसभा की वेल में प्रोटेस्ट भी किया। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं। मैम, विपक्ष इस कानून को लेकर क्या समझ रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और असामान्य भी है, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अभी इसको देखें तो वो भी उचित अनुचित है। सबसे बड़ी चीज़ इस कानून जो आज ये बिल लाए हैं, इसका पृष्ठभूमि अवश्य है समझना। इसमें जब ये शुरू में नजूल की जो ज़मीन पे, जिसमें लगभग कई शहरों में तो 60-70% आबादी नजूल की ज़मीन में बसी हुई है, और मैं मानती हूँ कि इस उत्तर प्रदेश के हर शहर में नजूल की ज़मीन ज़रूर होगी। ये ज़मीनों पे लोग कई कई पीढ़ियों से बसे चले आ रहे हैं, घर हैं, उनके साथ साथ सागर पेशा है। सागर पेशा वो स्थान है जहाँ पे वहाँ के काम करने वाले, घरों में काम करने वाले लोग रहते हैं। अंग्रेज़ों की एक सिस्टम बना था। अब अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ तो इलाहाबाद में लगभग 60% ज़मीन जो है वो नजूल, 50-60% ज़मीन नजूल के उस पर बनी हुई। कई सारे सरकारी प्रतिष्ठान भी बने हैं, कई धार्मिक प्रतिष्ठान बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब उन्हीं स्थानों पे बने। सरकार ने एक प्रोविज़न दिया था पहले कि जो भी चाहता हो अपने वहाँ रहना, कंटिन्यू करना चाहता है तो वो 25% पैसा जमा करे और उस लीज़ को एक्सटेंड कर दे, करा ले, और या फिर फ्री होल्ड करा ले। बहुत सारे लोगों ने पैसा, जिनके पास था उन्होंने फ्री होल्ड भी करा लिया, बहुत सारे लोगों ने पैसा दे करके लीज़ एक्सटेंड करा ली, कई कई किश्त लोग जमा कर चुके हैं। अब सरकार नए कानून में ये ले आ रही है कि आप जो है, पिछले 2 साल से उन्होंने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया। अब इस नियम में कहा कि अब आपके का स्वामित्व नहीं रह जाएगा, आप पैसा जो आपने किश्त का जमा किया वो भी वापस ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस ले लीजिए, पर घर खाली कर दीजिए, अपनी ज़मीन खाली कर दीजिए। तो लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे, चाहे वो घर का मालिक हो, चाहे सागर पेशा में रहने वाला सामान्य गरीब व्यक्ति हो, सब विस्थापित हो जाएंगे। तो ये अव्यवहारिक है पूरी तरह से। मैम, सागर पेशा की एक जो लफ्ज़ आ रहा है, और प्रयागराज, ये बिल आते ही सिर्फ प्रयागराज और सागर पेशा लोगों की बात क्यों हो रही है, और ये सागर पेशा लोग आखिर हैं कौन? देखिए, प्रयागराज क्योंकि मैं इसलिए एक उदाहरण के तौर पर मैंने प्रस्तुत किया क्योंकि मैं इलाहाबाद से, मेरा घर रहा है वहीं, मेरी परवरिश पढ़ाई में, जितने चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे वो विपक्ष हो, सबने प्रयागराज का मुद्दा ही उठाया। देखिए, इसलिए क्योंकि सागर, अगर मैं थोड़ा इसका इतिहास बता दूं कि प्रयागराज जो इलाहाबाद था वो रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे, उनके परिवार रहते थे, तो वहाँ पे बड़े बड़े बंगले थे, और उन बंगलों में सागर पेशा जो है, जो उनके घरों में काम करने वाले हाउसहोल्ड में रहते थे, धोबी था, क्या बोलते, सफाई कर्मचारी था, खाना बनाने वाला था, वो सब वहाँ पे उन्हीं को जो स्टाफ क्वार्टर्स थे उसमें रहते, तो उसको सागर पेशा कहा जाता है। ये बड़ा आंदोलन भी था, सागर पेशा का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इलाहाबाद में इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि रेसिडेंसी वहाँ थी, हर शहर में है, फैज़ाबाद में है, कानपुर में है, मेरठ में है, हर जगह नजूल की ज़मीन है और उस पर लोग घर बने हुए हैं, लोग रह रहे थे, तो इसलिए उसका उदाहरण पे दिया। और क्योंकि इत्तेफाक की बात थी कि मैं भी इलाहाबाद से थी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी सत्ता पक्ष के, वो वहाँ के लोकल विधायक रहने वाले हैं, हर्ष बाजपेयी जी, रघुराज प्रताप सिंह जी, ये सब लोग, इत्तेफाक की बात है कि इलाहाबाद के थे। अच्छा मैम, एक बात और कही गई कि जितने भी जजेस के आवास हैं या प्रयागराज का जो कोर्ट है वो भी, ये आपने बताया कि नजूल की ज़मीन पर बना, नहीं, ये बहुत सारी, मतलब उसका एक पार्ट है ये, मतलब ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि अब पैमाइश तो ही नहीं है, पर हाँ, बहुत सारा पार्ट उसमें ऐसे, खाली जजेस के घर नहीं, खाली हाई कोर्ट नहीं, बहुत सारे और ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो कि नजूल की ज़मीन पे बने। और फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मतलब बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप कानून बना रहे हैं, वो कानून तो प्रभावी हर जगह होगा। लैंड यूज़ जो है वो, अगर उस पर सरकारी हॉस्पिटल भी बना है उसको भी आप वैसे ही ट्रीट करिए, और जो एक सामान्य व्यक्ति का घर नजूल की ज़मीन पे बना है
उसका अधिकार भी तो सामान्य है ना, आप दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, कानून और संविधान यही कहता है। तो पर आपने इसमें उसमें इम्यूनिटी आप दे रहे हैं कि इस तरह के जो प्रतिष्ठान उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा कि अगर कोई सरकारी प्रतिष्ठान है, धार्मिक प्रतिष्ठान है, एजुकेशनल है, मेडिकल है, कुछ भी है, तो उसको आप इम्यूनिटी दे रहे हैं। पर गरीब आदमी को आप क्यों नहीं दे रहे हैं, जो सागर पेशा में रह रहा है उसको इम्यूनिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो विपक्ष इस वक्त सरकार को क्या राय दे रहा है इस पूरे कानून पे? हमने उनसे यही मांग करी है कि इसमें लाइए आप संशोधन करिए। जो व्यक्ति 2 किश 3 किश 4 किश दे चुका है, बोनाफाइड है, जिसने कभी भी कोई उसके जितना भी लीगल प्रोसीजर है उसमें कहीं कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई, कोई गलती नहीं करी, वो उसको बोनाफाइड माना जाएगा, बोनाफाइड है, तो उसको ये प्रिविलेज जो आपने दे रखी थी वो कंटिन्यू करिए। अगर वो पैसा दे करके 2 किश जमा कर चुका है और 2 किश बाकी है, तो उसको 2 किश लेकर के उसको उसका स्वामित्व दीजिए, चाहे वो वहाँ पर लीज पे एक्सटेंड करना चाह रहा हो या फ्री होल्ड कराना चाह रहा हो। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपने दी थी ये उसने नहीं मना करी है। आज जो व्यक्ति रह रहा है घर का में रह रहा है, उसने नहीं मना की, ये सरकार कह रही है कि अब हम नहीं देंगे, आप पैसा भी ले लीजिए, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले लीजिए, घर खाली कर दी तो सड़क पे आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नजूल संपत्ति एक्ट बिल 2024 को पेश किया गया। हालांकि संख्या बल पर ये जो बिल था उसको विधानसभा से पारित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष की ये राय है कि इस बिल को लेकर एक बार पुनः विचार किया जाए। लखनऊ से आईटीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ अहसन रिजवी।